नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के बारे में। हाल में ही न्यूज़ आर्टिकल में एक ओपिनियन लिखा गया, जिसमें बताया कि इंडियन नेवी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक प्रोग्राम को मॉडिफाई करके हम क्यों नहीं मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या इंडियन नेवी के पास कोई ऐसा प्लान है भी या नहीं, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना सक्सेसफुल होगा इंडियन नेवी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडियन नेवी ने इसी साल 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स को चुना था, और इंडियन नेवी का मेन फोकस अभी के समय में सबमरीन्स को डेवलप करने का है। संभवतः हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कुछ और साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल इंडियन नेवी के पास इसका बजट नहीं है। लेकिन ऐसे समय में मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर बनाया जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी इंडियन नेवी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2013 में 4 मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया था। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट उस समय पर 16,000 करोड़ का था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी LPD को खरीदने का प्लान कर रही थी। दोस्तों, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जनरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसका इस्तेमाल ट्रूप्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, टैंक्स, वेसल और हेलीकॉप्टर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। साथ में हम इसे C2C और C2 Land बेस्ड ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के साइज के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी, उसमें बताया गया था कि इसका साइज 215 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं इसमें 10 हेलीकॉप्टर के साथ साथ कुल 35 टन के वजन को उठाने की क्षमता होनी चाहिए। लोड कैरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें फेरी टैंक, लैंडिंग क्राफ्ट व्हीकल्स, 1430 क्रू और एक तेजी से चलने वाला लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन व्हीकल होना चाहिए। ये अपने साथ 6 मेन बैटल टैंक, 20 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और 40 हेवी ट्रक्स को कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं इसके आर्मामेंट्स की बात करें तो पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम, एंटी टॉर्पीडो डिक्वाय सिस्टम, चाफ सिस्टम और हेवी एंड लाइट मशीन गन्स की रिक्वायरमेंट नेवी की तरफ से दी गई थी। लेकिन साल 2019 और 20 में ऐसी खबर निकल कर सामने आई कि इंडियन नेवी ने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया है और भविष्य में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के लिए एक नया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को जारी किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था, वो ये बताया गया कि जब साल 2006 में इस प्रोजेक्ट के लिए पहली बार रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को जारी किया गया था, तब से आज तक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स में कई प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं और इंडियन नेवी एक नए स्पेसिफिकेशन वाले ज़्यादा एडवांस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की तलाश कर रही है। हो सकता है कि नेवी निकट भविष्य में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के लिए एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को जारी करे। वहीं बात करें मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो न्यूज़ ओपिनियन में बताया गया कि क्यों नहीं इंडियन नेवी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक प्रोग्राम को मॉडिफाई करके एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करती है। ऐसा पहले भी कई देश कर चुके हैं। जापान में इस्मोउ क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर को मॉडिफाई करके स्काई जंप रैंप को लगाया जा रहा है, और जापान ऐसे 2 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को मॉडिफाई कर रहा है जहां से वो अमेरिकन स्टील्थ F-35B को ऑपरेट करने वाला है। और जिस तरह से इंडियन नेवी के लिए ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग सिस्टम वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इंडियन नेवी इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए भी कर सकती है। ये मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ऐसा कैरियर बनाने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी और बहुत से इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी आएंगे। जैसा कि इंडियन नेवी अभी के समय में INS विक्रांत से MiG-29K का इस्तेमाल करती है, जिसे भविष्य में TED-BF से रिप्लेस किया जाएगा। INS विक्रांत के डेक की लंबाई 260 मीटर है, वहीं लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की लंबाई 210 से 215 मीटर के बीच होती है।
लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की लंबाई कम होने के कारण MiG-29 के और टेड वीएफ भी यहां से लैंड और टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक वेसल और एयरक्राफ्ट कैरियर का डिज़ाइन बेहद अलग होता है, और अगर हम LPD वेसल के टॉप को फ्लैट बनाकर स्काई जंप रैंप को लगा भी दें, फिर भी छोटा रनवे होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा। वहीं जापान ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि जापान F-35B का इस्तेमाल करता है, जो दुनिया का एकमात्र वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऐसा करना प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं है, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंडियन नेवी 2030 से पहले सोचने नहीं वाली है। और अगर इसी टाइमलाइन को पकड़कर नेवी चलती है तो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी के सर्विस में आते आते साल 2040 भी लग सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।